सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे क्रिस्पी पोटैटो बोल्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पोटैटो बोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम मैंने उबले हुए आलू लिए, उनको मैश कर लिया अच्छी तरह से। सबसे पहले इसमें प्याज शामिल करेंगे, मीडियम साइज का एक प्याज है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनते हैं। हरी मिर्च शामिल करेंगे, दो अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्च थी, उनको बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर मैंने शामिल कर दी है पिसी हुई, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भर के हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और लास्ट में हम हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से शामिल कीजिएगा। अब मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। पोटैटो बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया। अब जिस साइज़ में आपने बॉल्स बनाने उतना मिक्सचर आप ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसी तरह गोल शेप दे देंगे। सबसे पहले हम मैदे के अंदर कोट करेंगे। हाफ कप मैंने मैदा लिया है। मैदे में कोट करने के बाद अंडे के अंदर कोट करेंगे। दो अदद अंडों को मैंने बीट कर लिया है, देखिए। और लास्ट में हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, 4 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, अच्छी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स कोट कर दिए। इसी तरह तमाम बॉल्स रेडी कर लेंगे। तमाम पोटैटो बॉल्स की मैंने कोटिंग कर ली है। आप फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तमाम पोटैटो बॉल्स मैंने शामिल कर दिए, अब मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर टर्न करेंगे। पोटैटो बॉल्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं, अब टर्न करते जाएंगे, ऐसे चेंज करते जाएंगे ताकि एक जैसा कलर आए। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हम फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं। पोटैटो बॉल्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों को लंच मोस्ट में ज़रूर बना के दें, अफ्तारी में बनाएं, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। दावतों में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, क्योंकि हमने कोटिंग ब्रेड क्रम्स की है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना ताकि एक जैसा कलर आए। स्पेशली बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे, एंजॉय करेंगे। पोटैटो बॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे हम। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दूँ। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।